तो आप जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर पोस्ट कार्ड देख रहे हो वो स्पेस जाने वाला है। यही नहीं, आप भी एक भेज सकते हो, वो भी फ्री में। और यही नहीं, ये स्पेस जाके वापिस आपके पास आएगा। कैसे? पहले मैं आपको अपने पोस्ट कार्ड्स के कलेक्शन दिखा देता हूँ जो मैं स्पेस भेजने वाला हूँ। तो ये तो आपने देखा, ये इसके बजाय ये सब पोस्ट कार्ड्स जा रहे हैं, प्लस ये बड़ा वाला भी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पोस्ट कार्ड तो आपने देखा, इसके ऊपर इंडिया का फ्लैग है, ये PSLV मैंने डिजिटल ड्रॉ करके प्रिंट किया है, और RLV भी, और मून वगैरह ये सब विथ लव टू स्पेस। तो ये डिफ़ॉल्ट वाला, इनकी बात करते हैं। ये कुछ स्पेस थीम्ड पोस्ट कार्ड्स है जो मैंने रॉकेटियर से मंगाए हैं, अगर आपको चाहे तो लिंक दे दूंगा। पर इनके पीछे भी मैसेजेस है। तो अभी इसके पीछे मैंने इंडिया का फ्लैग ड्रॉ किया है, तो विथ लव फ्रॉम। इसके पीछे मैंने मेरा फेवरेट लोगो, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन देख लेना। इसके बाद इस बुरान थीम्ड के पीछे मेरा फेवरेट न्यूक्लियर प्लांट कुंदनकुलम का, शायद गलत प्रोनाउंस कर दिया। इसके बाद आता है अपना वर्क हॉर्स इंडिया का PSLV रॉकेट जो मैंने ड्रॉ किया। ये सब फिजिकली ड्रॉन है इस पोस्ट कार्ड्स पे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसके बाद आता है अपना GSLV मार्क टू रॉकेट, या मैं उसे प्यार से PSLV मार्क टू कहता हूँ। ये इसके बाद मेरा फेवरेट रॉकेट GSLV मार्क 3, इसके डायमेंशन थोड़े गलत कर दिए मैंने, ठीक है, पर इमोशन है प्यार। और इंडिया के प्राइवेट रॉकेट्स तो आप देख सकते हो, बेलेट्रिक्स का चेतक रॉकेट, स्काईरूट का विक्रम 1 रॉकेट, अग्निकुल का अग्निबान रॉकेट, और ये बनता है अपना न्यू स्पेस इंडिया। ये हुआ। इसके बाद ये बड़ा वाला है, ये मेरा थोड़ा इमोशनली इम्पॉर्टेंट, ये मैंने स्केच किया है Chandrayaan-3 के लैंडर का, या Chandrayaan-2 का, क्योंकि उन दोनों का लैंडर सेम होने वाला है, विक्रम लैंडर। तब देख सकते हो डिप्लॉय कर रहा है प्रज्ञान को। आई होप इस साल या अगले साल जो भी हो सक्सेसफुली हो चंद्रयान। आप जो भी ड्राइंग कर सकते हो, आप अपने माँ बाप के फ़ोटो डाल सकते हो, खुद का फ़ोटो डाल सकते हो, दोस्त का फ़ोटो डाल सकते हो, कुत्ते बिल्ली का फ़ोटो, कुछ भी आपकी मर्ज़ी। ड्रॉ करना ही ज़रूरी नहीं है, प्रिंट भी कर सकते हो। इसके पीछे आपको पर खुद का एड्रेस डालना पड़ेगा नेक्स्ट हाफ में, टू होम करके खुद का एड्रेस डालना पड़ेगा, और यहाँ एक मैसेज, किसको मैसेज और ये किसको भेज रहे हो हम जानेंगे अभी। अब ये देख के आपके पास दो सवाल आए रहेंगे। सबसे पहले तो हम कैसे भेजे, यानी आप कैसे भेजोगे, और सेकेंडली इसका प्रूफ क्या है और कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। ये कहानी शुरू होती है अपने जेफ भैया से। जेफ भैया मतलब जेफ बेजोस, जो अमेजोन के फाउंडर है, उनकी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। अब ब्लू ओरिजिन का एक रॉकेट है जिसका नाम है न्यू शेपर्ड। अभी नए रॉकेट्स भी डेवलप कर रहे हैं। न्यू शेपर्ड एक ऐसा रॉकेट है जो स्पेस टूरिस्ट के लिए बना रहे हैं। अभी एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है, छोटा सा। ये ऑर्बिट में नहीं जाता, यानी सैटेलाइट्स नहीं डिप्लॉय करता है, बल्कि इसके ऊपर जो आप कैप्सूल देख रहे हो वो इसे रिलीज करता है, और फिर वो स्पेस का लाइन जो है वो कर्मन लाइन वो क्रॉस करती है। फर्स्ट स्टेज बूस्टर वापस आके लैंड करता है। ये कूल शॉट सुनो, उसके बाद उसका कैप्सूल आके लैंड करता है। अब कहानी यह है कि ब्लू ओरिजिन का क्लब है जिसका नाम है क्लब फॉर द फ्यूचर, जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया, इवेंट में अनाउंस किया था। क्लब फॉर द फ्यूचर पूरे दुनिया से, कंट्रीज से पोस्ट कार्ड कलेक्ट करती है, स्टूडेंट से और सबसे बड़े लोगों से भी, और इसे स्पेस भेजती है, उस कैप्सूल में डालती है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। अब इंडिया की एक कंपनी है रॉकेटियर्स, जिसे आकाश और दिव्यांशु ने फाउंड किया। रॉकेटियर्स बहुत कुछ करती है, रॉकेटियर्स मॉडल रॉकेट्स वगैरह अगर आपको खरीदने हैं तो वो लोग बेचते हैं। मैं डाल दूंगा सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। मॉडल रॉकेट्स बेचते हैं, और फिर ये जो पोस्टकार्ड्स भी दिखाए थे वो भी उनके तरफ से ही मैंने खरीदे थे। रॉकेटियर्स ने टाई अप किया ब्लू ओरिजिन के क्लब फॉर द फ्यूचर के साथ। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पोस्टकार्ड्स रॉकेटियर्स को भेज सकते हैं। तो आप अपना पोस्टकार्ड बना के इनके एड्रेस पे भेज सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों में डाल दिया एड्रेस। पर एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अकेले मत भेजो, हो सके तो अपने नेबर्स को या अपने रिलेटिव्स को साथ में लो, सब मिलके पोस्ट कार्ड्स बनाओ। अगर आप कोई प्रिंसिपल टीचर हो तो अपने स्टूडेंट्स को एंकरेज करो, ये वीडियो शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस भेज पाए। जब वो लोग वहां खोलेंगे पोस्ट कार्ड्स, उन्हें इंडिया इंडिया दिखना चाहिए हर सेकंड, हर साइड। फनी होगा थोड़ा, तो एम्फसाइज कर रहा हूँ स्पेशल, प्लीज शेयर करो ये वीडियो प्लीज, ताकि एक ऐसे मजा आएगा, राइट? सबके पास नहीं होता है कुछ ऐसी चीज जो स्पेस जाके आई है। हम सब ने वो नासा के मिशंस पे भी टिकट्स भेजे हैं, पर वो फाइनली डिजिटल फॉर्म है, वो ऐसी चीज नहीं है जो आपने खुद बनाई है और उन्हें भेजी है।
इस केस में आप अपना खुद का पोस्ट कार्ड बना के भेज सकते हो, खरीदने की जरूरत नहीं है, तो जरूर शेयर करना। सेकंड पार्ट आता है कि क्या प्रूफ होगा और कब मिलेगा हमें वापस। जब वो अपने कैप्सूल में लोड करते ही है, तो जब वापस आता है तो उसके ऊपर वो स्टैंप मारते हैं क्लब फॉर द फ्यूचर का, तो वो एज अ प्रूफ आपको सबमिट समझ जाएगा। और कब आएगा ये बोल नहीं सकते, फ्रीक्वेंटली उतना लॉन्च नहीं होता है, पर इस साल शायद ज्यादा लॉन्चेस है उनके 2021 में, तो शायद आपका चांसेस बढ़ जाए। मतलब लास्ट मिशन में कुछ 50,000 एक कैप्सूल में डाले थे वो लोग, तो हो सकता है जल्दी मिले। तो आप एनीवेयर फ्रॉम 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का एक आइडिया डाल दो वापस आने के लिए वगैरह, होता है तो फिर वापस आ जाएगा आपको लेटर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जरूर शेयर करो वीडियो, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो भी चलता है, पर शेयर जरूर करना। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल, वोटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रामडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, मार्क सेवन, संदीप रामकृष्णन, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारीका, सचिन यादव, कुछवी मेहता, आकाश पटेल, विक्रम वर्मा, तन्मय देशपांडे, सिद्धार्थ कृष्णन, अभिषेक श्रीवास्तव, देसी गॉडजिला। थैंक यू।